रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी तब मिली जब दो शख्स को करीब 2,95,000 के नकली नोट सहित गिरफ्तार किया। गुप्त जानकारी के अनुसार बांद्रा क्राइम ब्रांच यूनिट 9 ने मुंबई वीरा देसाई रोड पर दो शख्स को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके पास से 500 के नकली नोटों के 590 नोट यानी के कुल मिलाकर 2,95,000 के जाली नोट पुलिस ने बरामद किया। लेकिन पुलिस ने जब इन आरोपियों से कड़ी पूछताछ की तो और भी बड़ा खुलासा हुआ। ये दोनों आरोपी सिर्फ जाली नोट का व्यापारी नहीं बल्कि वो खुद इसे छाप भी रहे थे। क्राइम ब्रांच टीम ने जब उस जगह पर छापेमारी की जहां पर ये आरोपी नोट छाप रहे थे तो वहां पर पुलिस के हाथ लगा एक प्रिंटर, एक लैपटॉप टेप, वाटरमार्क, प्रिंट किए हुए पेपर जिस पर आरबीआई लिखा हुआ था और अलग अलग साइज के पेपर भी मिले जिसे प्रिंट किया गया था, जो पुलिस ने जब्त किया है। और इसी पूछताछ में ये भी पता चला कि ये दो आरोपी के अलावा इनके साथ एक और आरोपी भी शामिल है जो केरल राज्य का रहने वाला है, जो अभी इस वक्त फरार है। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2020 में दुबई से आए हुए करीब करीब 24 लाख रुपए जो 2000 डिनोमिनेशन के सीज किए थे। उसके बाद में 3 मार्च को क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने भी 1,28,600 रुपए जब्त किए थे अलग अलग डिनोमिनेशन के। इसी कार्रवाई के तहत यूनिट 9 क्राइम ब्रांच मुंबई यहाँ के पीसी अमित महागड़े इनको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके तहत वीरेंद्र देसाई रोड मुंबई यहाँ पे दो व्यक्ति आने वाले हैं, उनके पास इस तरह के फर्जी जाली इंडियन करेंसी नोट है जो यहाँ पे बेचने के लिए आ रहे। उसके इन्फॉर्मेशन के चलते, गुप्त सूचना के चलते वहाँ पे पीआई, सीनियर पीआई महेश देसाई उनके टीम ने रेड की कार्रवाई की जिसमें दो आरोपी उनके गाड़ी के साथ में उनको जब पूछताछ की तो पता चला उनके पास 500 रुपये जिसका मूल्य है इस तरह के 590 संख्या के टोटल मिला के 2,95,000 रुपये उनके पास थे जो जाली थे। उनको चेक करने के बाद में पता चला कि ओरिजिनल नोट्स नहीं है। इसके बाद में दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेने के बाद उन पर FIR दर्ज की गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वह आरोपी सिर्फ न कि नोट उनके साथ थे न बेचने के लिए आए थे तो ये छाप भी रहे थे। इसके तहत वहां पे जाके छापा कार्रवाई की, उसमें से उनके घर से जो जहां पे रहते थे वहां से हमें एक प्रिंटर, एक लैपटॉप, टैप, GSM पेपर, RBI लिखे हुए, तांबा के अलग अलग पट्टियाँ, वाटरमार्क, प्रिंटर प्रिंट किए हुए पेपर्स और अलग अलग साहित्य मिले जिसको जब्त किया गया। इसके इन्वेस्टिगेशन में हमें यह भी पता चला है कि इनके साथ में एक और भी आरोपी है जो 2018 में केरल राज्य में इस तरह से एक FICN की कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हुई थी जिसमें उसको पकड़ा गया था, उसमें वो जेल में था और बाहर आने के बाद में इनके साथ मिलके, दो लोगों के साथ मिलके यह आरोपी भी इस नोट छापने के इसमें लिप्त है। इस तरह से दोनों आरोपी जो एक जिसमें का एक आरोपी है इडुक्कू राज्य केरल का है तो दूसरा आरोपी तिरुवनंतपुरम केरल राज्य का है, दोनों को माननीय न्यायालय के सामने हाजिर करने के बाद में वो आगे के तब इन्वेस्टिगेशन के लिए 11 तारीख तक हमें PC मंजूर किया गया है, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं।